ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों को दी आर्थिक मदद। शहर से सटे हरिहरपुर घराने के युवा संगीतकार स्वर्गीय आदर्श मिश्रा की हत्या के बाद उनके परिजनों से ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मिश्रा ने स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों से शनिवार को त्रयोदशी के दिन मुलाकात की और 1,00,000 रुपए की नगद धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान की। जो भी आवश्यकता होगी उसका मदद किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने पीड़ित परिजन को सांत्वना देते हुए उन्हें उचित व न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आपको बताते चलें कि आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर घराने के युवा संगीतकार आदर्श मिश्रा की कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोमवार को सुबह त्रयोदशी कार्यक्रम के अवसर पर स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों को सांत्वना देने के लिए ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष व बसपा नेता डॉक्टर संतोष मिश्रा ने उनके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। सर्वप्रथम उन्होंने स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात उन्होंने पीड़ित परिजन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रशासन आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए डॉक्टर संतोष मिश्रा ने पुनः मांग पत्र के माध्यम से अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि हरिहरपुर घराना व समाज के लोगों के साथ ही ब्राह्मण सभा के भी प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा परिवार, उसके ऊपर आफत विफत आना, सरेआम गुंडई करना प्रदेश सरकार की विफलता सिद्ध करती है। हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अब तक प्रशासन ने क्यों नहीं की। बसपा नेता डॉक्टर संतोष मिश्रा ने कहा कि हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजन को गनर उपलब्ध कराए जाएं। शोक सभा श्रद्धांजलि हमने दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से उस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि परिजन संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से प्रशासन की। परिजन को संतुष्ट किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, 1,00,000,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार में दो दो सरकारी नौकरी दिया जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उस बात पर कायम हूँ और उनका एक मूर्ति का अनावरण किया जाए और सड़क को पक्की कराई जाए। ये तमाम मुद्दे हैं, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार को हल करना पड़ेगा। तथा उत्तर प्रदेश में साफ तस्वीर दिखाई पड़ रही कि क्या कार्रवाई हुई, क्यों अब तक कार्रवाई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं कार्रवाई से। समाज के लोग भी पूरे कार्रवाई से दुखित हैं। अभी मदद नाम का पहला जो कि हमारा मदद आया, हमारे संरक्षक, हमारे राजा भैया, हमारे संतोष मिश्रा जी की तरफ से पहला आर्थिक सहयोग हमारे इस बच्चे के आज खुर्सी ब्रह्मभोज में आज पहला आया। अपनी सरकार चाहे किसी से और कोई नेता से हमारा कोई अभी कोई मदद चाहे सुरक्षा कोई अभी कुछ नहीं हुआ। पहला हमारा मदद हमारे संरक्षक हमारे संतोष मिश्रा जी भैया के द्वारा आज प्रदान हुआ। सरकार की तरफ से भी कोई सहायता राशि? अभी सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि नहीं और हमने मांग पत्र भी रखा है, DM साहब को भी मार्फत कागज दिया है, लेकिन उसका भी कोई हमको एक भी सरकार का ट्वीट चाहे कोई भी हमको सूचना अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ। कितने की सहायता राशि दी गई है? आज हमारे सर के तरफ से 1,00,000 रुपया का आर्थिक सहयोग इस ब्राह्मण परिवार को बच्चे को दिए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिस शासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है चारों आरोपियों को अंदर किया, उसकी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? उसकी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं भैया, हम 10% पर भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि हमारी ये मंशा थी, हमारे लोगों का पूरा गांव पूरा का यही मंशा थी। मौत हुई है तो जिस लाल का गया उसका भी जाना चाहिए, क्योंकि सरकार प्रशासन ने एक पैर में गोली मारी है, उसके बाद कोई उनको सही चाह रहे कि कठोर से कठोर अब उसको फांसी और कठोर से कठोर कारावास हो, यही हम सरकार से अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं।